Hello everyone, this is Sumit. I welcome you to my channel Let's Grow with English. Today we are going to learn English through a story. So aaj hum is a story ko padhenge and iska Hindi anuvad bhi dekhenge. So the story starts with the title The Miser's Haircut. Ek vyakti tha jo bada hi kanjoos tha. Miser means kanjoos and us kanjoos ka haircut ki kahani hai ye. In the town where Gopal lived. एक टाउन था जहाँ पर गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था लिव्ड ये पास्ट टेंस की स्टोरी है सो लिव्ड लगेगा मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो पास्ट की होती है देयर वॉज अ वेरी माइजरली मैन एक बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म का व्यक्ति रहता था माइजरली मीन्स कंजूस किस्म का व्यक्ति ही वुड ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड एन एक्सक्यूज नॉट टू पे पीपल फॉर द थिंग्स दैट ही बॉट फ्रॉम देम सो वो ऑलवेज क्या करता हमेशा वो कोशिश करता कि जब भी कोई चीज खरीदता उसके पैसे नहीं पे करता एंड कुछ न कुछ उसका एक्सक्यूज बना देता बहाना बना देता था ही वुड गो टू अ होटल वो एक होटल जाता ईट सम ऑफ द फूड और कुछ खाना खाता दैट द वेटर सर्व्ड हिम जो कुछ भी वेटर से सर्व करते एंड देन ही वुड गेट अप एंड से एंड फिर वो खड़ा होता और कहता I don't like the food. मुझे ये खाना पसंद नहीं आया. I'm not going to pay for it. मैं इसका पैसा नहीं देने वाला. He would go to a vegetable shop, buy 1 kilo of vegetables. वो vegetable के शॉप पर जाता, 1 kilo सब्जियां खरीदता, leave a few vegetables behind and tell the vegetable man that he would pay for it when he picks it up. So वो कहता वो कुछ सब्जियां वहां दुकान पर छोड़ देता और कहता था कि जब मैं इसे लेने आऊंगा तब मैं उसका पैसा वापस करूंगा और वो सब्जियां लेने ही नहीं जाता था सो इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बनाता था क्योंकि वो बड़ा ही कंजूस किस्म का व्यक्ति था मेनी पीपल कंप्लेंट टू राजा कृष्णा बहुत से लोगों ने राजा कृष्णा से उसके बारे में कंप्लेन की आस्किंग हिम टू पुट द माइजर इन द प्रिजन कि उसे जेल में डाल दो पुट मींस डालना प्रिजन मींस जेल एज यूजुअल मींस हमेशा की तरह से राजा कृष्णा डिड नॉट नो व्हाट टू डू हमेशा की तरह से राजा कृष्णा को नहीं पता चला कि उन्हें क्या करना था सो ही कॉल्ड हिज ट्रस्टेड फ्रेंड उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया जिन पर वो बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे ट्रस्टेड फ्रेंड गोपाल द बार्बर एंड सेड टू हिम सो उन्होंने अपने दोस्त गोपाल को बुलाया जो कि एक बार्बर था एंड सेड टू हिम और उनसे कहा गोपाल दिस माइजर इज अ वेरी ट्रिकी फेलो ये जो कंजूस किस्म का व्यक्ति है ना ये काफी ज्यादा ट्रिकी फेलो है फेलो मींस इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रिक लगाता है बेवकूफ बनाता है लोगों को यू मस्ट डू समथिंग टू टीच हिम अ लेसन तुम कुछ ऐसा करो कि उसको एक सबक मिले टीच हिम अ लेसन मींस सबक देना Let's see what happens next. So Gopal waited for the right opportunity to teach the miser a lesson. Gopal ne wait kiya sahi mauke ka. Right opportunity means sahi mauke ka. Taki wo miser ko ek lesson sikha sake. Ek sabak de sake. A week later he got that opportunity. Aur ek hafte baad use wo mauka mil jata hai. And let us see what happens next. The miser decided that he wanted to get haircut. So, जो कंजूस था, उसने decide किया कि वो एक haircut लेने जाएगा, means बाल कटवाने जाएगा. Since Gopal was the only barber in the town. Since means क्योंकि या फिर चूंकि, चूंकि Gopal ही एक अकेला व्यक्ति था जो बाल काटता था. Barber means जो नाई था पूरे नगर में. He had to come to Gopal's shop. उसको गोपाल की शॉप पर आना पड़ा had to come means आना पड़ा करना पड़ा so he had to come to Gopal's shop the miser had already decided not to pay Gopal for the haircut and miser ने पहले से ही सोच रखा था कि वो हेयर कट का पैसा नहीं देगा he said to Gopal उसने गोपाल से कहा I hear that you are the greatest barber in the world उसने कहा गोपाल से कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बड़े किस्म के और बहुत ही बड़े बार्बर हो इन इस दुनिया में आई वुड लाइक टू चैलेंज यू टू प्रूव इट टू मी मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहूंगा कि तुम मुझे इसे साबित करके दिखाओ आई वॉन्ट यू टू कट माई हेयर
so that every hair on my head is the same length. So उसने कहा और उसने चैलेंज दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाल इस तरह से काटो कि मेरे बाल मेरे सर का हर एक बाल सेम लेंथ का होना चाहिए, उसकी लंबाई सेम होनी चाहिए. And this was really a tough task for Gopal to do. Let's see what Gopal does here in this situation. Gopal knew that the miser man was trying to trick him. So Gopal ko pata tha ki ye jo kanjoos vyakti hai wo usko behkane ki ya fir fasane ki koshish kar raha hai. So he listened carefully. Usne dhyan se suna. The miser continued and miser ne bola, but remember, if even one hair is longer than the other, I will not pay you for the haircut. अगर एक भी बाल दूसरे बाल से लंबा हुआ या फिर छोटा रह जाता है तो मैं उसका पैसा तुम्हें नहीं दूंगा जो हेयर कट आप मुझे करके दोगे. गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज. वाओ, गोपाल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड बिगन टू कट द माइजर्स हेयर और वो उसके बाल काटना शुरू कर देता. बिगन टू मींस स्टार्टेड डूइंग इट. बिगन इन द सेकंड फॉर्म ऑफ बिगिन. As was the custom, जैसे कि रीत होती है और जैसे कि normally trend होता है, as was the custom in those parts of the country. So उस country के उस part में जो custom था, जो रीति रिवाज था, the barber would first massage. पहले barber क्या करते थे? Massage करते थे the head. Head की massage करते थे and then cut the hair. And फिर वो बाल काटते थे. As Gopal massaged the miser's head. जैसे ही गोपाल ने माइजर का मसाज किया, द माइजर फेल असलीप. फेल असलीप मींस उसे नींद आ गई. सो मसाज करने पर ऑब्वियसली हमें नींद सी आने लगती है. व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, द माइजर लुक्ड इनटू द मिरर एंड शाउटेड आउट. जब उसने शीशे में देखा एंड वो चिल्लाने लगा, व्हाट व्हाट हैव यू डन, ये क्या कर दिया तुमने, यू फूल, तुम मूर्ख हो क्या, बेवकूफ किस्म के व्यक्ति. एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, लेट्स सी. द माइजर फाउंड दैट गोपाल हैड शेव्ड हिज हेड कंप्लीटली. एंड माइजर को पता चलता है कि गोपाल ने उसका पूरा सर गंजा कर दिया था, शेव कर दिया था, उसको बाल्ड बना दिया था. बाल्ड, बाल्ड मींस गंजा कर देना. गोपाल स्माइल्ड एंड सेड, गोपाल हंसते हुए कहता है, You wanted me to cut your hair in such a way that every hair on your head was of the same size. तुम ही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे सर का हर एक बाल एक साइज का काटूं. Well, this is how I did it. See, देखो मैंने करके दिखा दिया, सारे सर के बाल बराबर हैं. Now, keep your promise and pay me. जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था. Keep your promise now. Keep promise means अपना वादा निभाना. Keep your promise, अपने वादे को निभाओ and pay me, पैसा दो मुझे. Or else, I will report you to the king. Otherwise, मैं क्या करूँगा? Or else means नहीं तो मैं किंग से जाकर के तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा. The miser knew that he had been outwitted. Outwitted means किसी को बेवकूफ बना देना. So miser को पता था कि उसको बेवकूफ बना दिया गया है. And this was the Gopal. So Gopal था जो एकदम clever and cunning व्यक्ति था, जिसने उसे outwit किया, उसको बेवकूफ बनाया. He had to pay Gopal the money. उसको गोपाल को पैसा देना पड़ा. Had to means देना पड़ा, करना पड़ा. And from that day onward, and उस दिन के बाद से, he stopped being a miser. उस दिन के बाद से उसने कंजूस रहना छोड़ दिया, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहने लगा. सो एवरीवन, दिस वाज द स्टोरी ऑफ गोपाल, दैट हाउ ही आउटविटेड दैट माइजर. उसने एक माइजर को किस तरह से लेसन सिखाया. आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी वुड हेल्प यू टू लर्न सम वर्ड्स एंड इंग्लिश टू. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी एंड टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.